हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो मैं भी ठीक ही हूँ, अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हूँ। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मुझे कहना था कि सभी लोग जल्दी जल्दी से मुझे एड्रेस दे दीजिए। अभी दो लोगों ने एड्रेस नहीं दिया है। एक क्या कहते हैं, साग गुप्ता से कुछ है, वो याद नहीं आ रहा, उन्होंने नहीं दिया है। और दूसरा है नीलम गुसैन जी, वो जल्दी से आप मुझे एड्रेस दे दीजिए, मैं आप लोगों का प्रोडक्ट जल्दी से पहुंचा दूं, क्योंकि हेडक रहता है जब तक पहुंचा ना दूं। सो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी दिन हो गया, 2 मंथ के ऊपर हो गया, इयररिंग मंगाई थी मिंत्रा से। मिंत्रा से इयररिंग मंगाई थी और मैंने ऐसे रख दी, और मुझे शेयर करना था आप लोगों के साथ, मैंने शेयर नहीं किया, तो मैं आज कर रही हूँ। कल मुझे ये मिला और मैंने इसे ओपन कर लिया था, तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका बिल मैं पहले दिखा देती हूँ। इसकी एमआरपी है 1597, 1597 रुपये, और ये मुझे पड़ा है 463, 463 रुपये में। सो फ्रेंड्स, ऑनलाइन तो काफ़ी अच्छे अच्छे रंग अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन ऑफलाइन बहुत महंगा पड़ता है, मैंने लिया था। चलिए दिखाती हूँ आपको इयरिंग। तो कुछ इस तरह के बॉक्स में मुझे मिला है ये। तो ओपन करती हूँ, मुझे मैं इसे ऐसे, कितने अच्छे से पैकेजिंग देते हैं, और ये ऐसे पैक है। तो देखिए कितनी खूबसूरत सी इयररिंग है। यहाँ जैसे धानी कलर नहीं कहते हैं, ग्रीन धानी, हल्का लाइट कलर, मीनाकारी की हुई है, व्हाइट स्टोन लगे हैं, नीचे पर्ल लगे हुए हैं, तो बहुत सुंदर इयररिंग है। और इसे मैं मार्केट में लेती तो बहुत महंगा पड़ता, और मैंने 2 इयररिंग मार्केट से लिए थे जो मैंने फेंक दी, इतने ज़्यादा हैवी थे। ये बहुत ही लाइट वेट मुझे लग रहा है, और वो ऐसे पड़े हुए लग रहा था, मेरे ईयर ही गिर जाएंगे। तो इयररिंग बड़ी हो पहनने का आपका मन है तो लाइट वेट ही लीजिए, अपने ईयर को नुकसान मत पहुंचाइए। तो मैं ये बहुत ही लाइट वेट मुझे लग रहा है, इसे मैं वेयर करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही लाइट वेट है, सिर्फ आप पार्टी वो ओकेजन में पहन सकते हो, कहीं पहन के जा भी सकते हो, इतना लाइट वेट है ये। जल्दी से कोई नुकसान नहीं होने वाला आपका, बहुत लाइट और वेट है, पता भी नहीं चल रहा है। और अगर आपको चाहिए होगा तो लिंक हो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको पता हो तो आप लोग चेक कर लीजिएगा जाके। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर लग रही है, ये देखिए पास से देख लीजिए, बहुत ही फाइन है इसकी क्वालिटी। तो मिंत्रा पे बहुत अच्छे से ज्वेलरी होती है, तो काफी अच्छी अच्छी ज्वेलरी होती है। सो फ्रेंड्स, ये थी मिंत्रा की ज्वेलरी, जो इयररिंग जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अभी मुझे मिला है लैक्मे से ये बॉक्स है, तो दिखाती हूँ मैंने क्या मंगाया है। सो फ्रेंड्स, इसके जो मोज लिप कलर थे, मैंने कहा और मैं इसका शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी, मैंने 2 ऑर्डर करवाए थे, फिर भाई ने उधर से करवाया था तो मैंने कैंसिल करवा दिया था, फिर भी कैंसिल नहीं हुआ। मैंने भी मंगवाया था, उसने भी कैंसिल नहीं हुआ, तो मैंने अपना समझ के रख लिया है, क्योंकि वीडियो पे उतना मैंने डाला, देखा रिस्पॉन्स नहीं रहता है तो खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं होता है। पता नहीं आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी हेल्पफुल वीडियो ला सकूं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओपन कर फ्रेंड्स,
ये एक आई शेडो स्टिक और ये मूज लिप कलर है भाई, और इसमें का एक कलर मैंने और मंगा लिया, मेरे पैसे गए वेस्ट। सो फ्रेंड्स, आप नहीं जानते कितना ज्यादा मैंने स्ट्रगल किया है। मुझे पता नहीं था, मेरा जब मेरे $10 हुए तो भाई ने मेरा एप्लीकेशन दिया, मतलब कि पिन के लिए। तो कुछ ये ऐसा शेड है, बहुत प्यारा सा शेड है, देखिए शेडो स्टिक वाटर प्रूफ है, जल्दी निकलता नहीं, डेली वेयर के लिए बहुत ही प्यारा सा शेड है, आप सब देखिए। तो आधार कार्ड पे मेरे मायके का दिया हुआ है वो एड्रेस, तो वो वहीं पे पिन अप्लाई कर रहा था। 3 बार उसने अप्लाई किया, तीनों बार फेल हो गया, नहीं गया। 6 महीने मेरा ऐड बंद हो गया, नहीं तो अभी तक मुझे पेमेंट कम से कम 2 बार तो मिल चुकी होती। बट ये देखिए, सब अपना पिन दिखाते हैं, मैं वो भी। फिर उसने ऑनलाइन भी वो पिन अप्लाई किया तो ऐड चालू हो गया, ऑनलाइन ही एक्सेप्ट हो गया। 8 8 महीने मेरा ऐड बंद था, कितनी तकलीफ हुई मुझे, मुझे पता है। उसके बाद उसने बनारस का पता दिया तो जाके मेरा पिन आया, तो मेरा पिन वैसे पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने पिन दिखाया ही नहीं, मैंने पिन दिखाया ही नहीं। क्या इतनी बुरी किस्मत है। और ये सेड है, सब अपना पिन दिखाते हैं, इसीलिए मैंने पिन नहीं दिखाया, पड़ा हुआ है। अगर सेकंड चैनल पे आ जाएगा तो प्लीज मेरे सेकंड चैनल पर भी सपोर्ट करिए, शालिनी आदनान ब्लॉग। और ये सेड है, इसमें मूज में 203 प्लम पंच। तो ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, अभी तक मेरी पेमेंट आ गई होती बट नहीं। तो ये ऐसा है, शेड है पिंक सा। प्लम पंच फूसिया टाइप पिंक कलर है, तो इसमें के 2 शेड हो गए। तो मेरा पिन उसके बाद यहाँ 2 3 दिन में ही आ गया, इतने थोड़ी सी गलती की वजह से मेरा अभी तक ये हाल है। तो मैंने नहीं शेयर किया, तो मैंने मंगाया है ये लैक्मे 925 का सीसी लाइट मूज। तो ये इसका प्राइस है 480, और ये 48 करके मुझे मिला, 408, 408 रुपये में। ये अभी से इतना खुला हुआ है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है इसकी। और वाओ, इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है, और ये एकदम लाइट वेट लग रहा है मुझे। और ये सीसी बीबी क्रीम जैसा नहीं है, लेकिन इसका टेक्सचर मूजी काइंड में है, तो इसका बहुत जल्दी मैं रिव्यू करूंगी। और ये डेली वेयर में जैसे आप इसे लगा सकते हो, मेरा इसमें शेड है ये आई थिंक 4 या 5 शेड में आया है मेरा। सॉरी फ्रेंड्स, में 4 शेड आए हैं, जिसमें है बेज 01, बेज 0A, फेयरपेल जो कि मेरा शेड है 04 0A, और जो 03 ब्रॉन्ज है, और 04 ब्रॉन्ज है जो कि थोड़े कम डार्क होते हैं, ज़्यादा डार्क के लिए है आलमंड। तो 4 शेड आए हैं, जिसमें कि मेरा सेकेंड शेड है फेयरपेल। सो बहुत जल्दी इसका रिव्यू मैं करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी हो। अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।